नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स फॉर जुडिशियल एंड लॉ एग्जाम्स में। अपने पिछले लेक्चर में मैंने कंडीशंस एंड वारंटी पर चर्चा की थी। आज के इस लेक्चर में मैं इम्प्लाइड कंडीशंस अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पर चर्चा करूँगा। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सेक्शन 12 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत कंडीशन को डिफाइन किया गया है, जो कहता है कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट राइज टू ए राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूडिएटेड। अर्थात शर्त किसी विक्रय की संविदा के अंतर्गत वह निर्बंधन है जो कि संविदा के मुख्य उद्देश्य के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, अत्यावश्यक होता है और जिसके विखंडन पर गुड्स को रिजेक्ट किया जा सकता है, अर्थात माल को वापस किया जा सकता है और संविदा को विखंडित किया जा सकता है। कंडीशंस दो प्रकार की हो सकती हैं, एक्सप्रेस कंडीशंस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस। अभिव्यक्त शर्तें एवं विवक्षित शर्तें। अभिव्यक्त शर्त अर्थात इम्प्लाइड एक्सप्रेस अर्थात एक्सप्रेस कंडीशन वह कंडीशन है जो पक्षकारों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत लिखित या मौखिक रूप से स्पेसिफाई की गई हो। और इम्प्लाइड कंडीशंस अर्थात विवक्षित शर्तें वे अर्थ शर्तें हैं जो कि विधि द्वारा अथवा प्रथाओं द्वारा अधिरोपित की गई हो। इम्प्लाइड कंडीशंस आर दोज कंडीशंस विच आर इम्पोज बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ आर बाई द यूसेज ऑफ ट्रेड एट्सेट्रा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 14, 15, 16 और 17 कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की चर्चा करते हैं, उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहली इम्प्लाइड कंडीशन जो कि किसी सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में होती है वो है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, अर्थात स्वत्व के बारे में विवक्षित शर्त। इसका उल्लेख सेक्शन 14A में किया गया है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 14A ये कहता है कि किसी सेल की स्थिति में यह इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि सेलर हैज़ ए राइट टू ट्रांसफर द गुड्स, अर्थात विक्रेता के पास उस माल को अंतरित करने का अधिकार है और इन एन एग्रीमेंट टू सेल द सेलर विल हैव ए राइट टू ट्रांसफर द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू बी ट्रांसफर। और विक्रय के करार की स्थिति में यह विवक्षित शर्त होती है कि जब संपत्ति का अंतरण होना है उस समय विक्रेता के पास उस संपत्ति को अंतरित करने का अधिकार होगा। अर्थात यदि विक्रेता के पास उस संपत्ति को अंतरित करने का अधिकार नहीं है तो इसको सेक्शन 14A के अंतर्गत कंडीशन की ब्रीच माना जाएगा और विक्रेता के पास यह अधिकार होगा कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर सके और कॉन्ट्रैक्ट को रिपीडिएट कर सके और यदि उसने कुछ प्राइस पे किया है तो उसको रिकवर कर सके। सेक्शन 14A पर एक महत्वपूर्ण वाद है रॉलैंड वर्सेस डिवाल का। इस केस में प्लेंटिफ बायर था और डिफेंडेंट सेलर था। प्लेंटिफ ने बायर से एक कार खरीदी और वो कार चोरी की कार थी, लेकिन प्लेंटिफ को कार खरीदते समय यह बात पता नहीं थी। उस कार के ओरिजिनल ओनर ने पुलिस की सहायता से वह कार बायर से अर्थात प्लेंटिफ से दोबारा वापस प्राप्त कर ली। बायर रोलैंड सेलर के अगेंस्ट जो प्राइस उसने पे किया था उसको रिकवर करने के लिए सूट इंस्टीट्यूट किया और कोर्ट ने ये कहा कि ये इम्प्लाइड कंडीशन की ब्रीच है और सेलर लाइबल है बायर को गुड्स के लिए जो उसने प्राइस पे किया है उसको वापस करने के लिए। इस केस में डिफेंडेंट का एक आर्गुमेंट ये भी था कि
बायर ने अर्थात प्लेंटिफ ने उस कार को कुछ समय तक यूज कर लिया है। कोर्ट ने ये कहा कि भले ही उसने उस कार को कुछ समय तक एंजॉय किया है, फिर भी कार को के सेल के सेंस में जो इम्प्लाइड कंडीशन थी उसकी ब्रीच हुई है, अतः बायर उस प्राइस को लौटाने के लिए लाइबल ठहराया गया। सेकंड कंडीशन है सेक्शन 15 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है और ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है सेल बाय डिस्क्रिप्शन के केस में। सेक्शन 15 ये कहता है कि अगर विक्रय वर्णन के अनुसार है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि बल्क ऑफ द गुड्स सेल करिस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन, मतलब वह माल जो है वो वर्णन के अनुसार होगा, और इफ देयर इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज बाय द सैंपल द गुड्स सेल करिस्पॉन्ड टू द सैंपल एज वेल एज टू द डिस्क्रिप्शन, मतलब अगर विक्रय नमूने और वर्णन दोनों के अनुसार है तो गुड्स नमूने के अनुसार भी होंगे और उनको वर्णन के अनुसार भी होना चाहिए। वर्णन के अनुसार विक्रय उस स्थिति में होता है जब क्रेता ने उस माल को जो माल उसने खरीदने की संविदा की है उसको देखा नहीं है और वह विक्रेता द्वारा बताए गए वर्णन के आधार पर उस माल को खरीदने के लिए तैयार हुआ है, या उसने गुड्स को देखा है तो भी वह विक्रेता द्वारा उस माल के संबंध में दिए गए डिस्क्रिप्शन से एग्री करता है और उस आधार पर गुड्स को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। तीसरी स्थिति तब होती है जब किसी गुड्स के पैकेट्स में अगर उस गुड्स के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए गए होते हैं और उन डिस्क्रिप्शंस के बेस पर अगर बायर उन गुड्स को खरीदता है तो इसको भी सेल बाय डिस्क्रिप्शन कहते हैं। इस पर एक केस है वाले वर्सेस विप्पा केस। इस केस में वाले और विप के बीच में वाले सेलर था और विप बायर था। इस केस में वाले और विप के बीच में टाउन ऑफ हडर्सफील्ड में एक कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था टाउन ऑफ हडर्सफील्ड। उसमें एक सेकंड हैंड मशीन को सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिस सेल के अंतर्गत वह मशीन 21 पाउंड में बेची जानी थी और विक्रेता ने यह बताया कि वह मशीन एक साल पुरानी थी और उसके द्वारा केवल 50 से 60 एकड़ फसल की कटाई की गई। वो मशीन कॉन्ट्रैक्ट के समय टाउन ऑफ अबजान में थी। जब मशीन को डिलीवर किया गया तो यह पता लगा कि वह मशीन एक साल पुरानी नहीं थी बल्कि और ज्यादा पुरानी थी और वह मशीन एक बार टूट चुकी थी और उसको रिपेयर भी कराया जा चुका था। तो मशीन चूंकि काफी पुरानी थी इसलिए बायर ने उसका प्राइस पे करने से मना कर दिया। सेलर ने बायर के अगेंस्ट सूट लाया उस मशीन के लिए, मशीन की प्राइस के रिकवरी के लिए। बायर ने प्राइस पे करने से मना कर दिया था इस आधार पर कि जो डिस्क्रिप्शन उस मशीन के बारे में बताया गया था कि वो मशीन केवल एक वर्ष पुरानी है और उसके द्वारा 50 से 60 एकड़ फसल की ही कटाई की गई है, वह मशीन उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं थी। कोर्ट ने बायर के इस आर्गूमेंट को एक्सेप्ट किया और ये माना कि मशीन का उसमें कॉन्ट्रैक्ट में बताए गए डिस्क्रिप्शन के अनुसार न होना एक इम्प्लाइड कंडीशन की ब्रीच थी और बायर के पास ये राइट था कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर दे और प्राइस पे करने से मना कर दे। इस पॉइंट पे दूसरा केस है निकोलसन एंड बेल वर्सेस स्मिथ मैरियट का केस है। इसमें प्लेंटिफ बायर था और डिफेंडेंट सेलर था। तो ये प्लेंटिफ निकोलसन एंड बेल जो थे ये एंटीक आइटम्स के सेलर थे। इन्होंने डिफेंडेंट स्मिथ मैरियट से एक लिनन नैपकिन और टेबल क्लॉथ खरीदा जिसके बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया था कि ये 17th सेंचुरी की थे और इनकी एंटीक वैल्यू थी।
बाद में ये पता लगा कि वो जो लिनन नैपकिन और टेबल क्लॉथ थे वो केवल साधारण कोड के लिनन नैपकिन और टेबल क्लॉथ थे और वो 18th century के थे, इसलिए उनकी कोई एंटीक वैल्यू नहीं थी। इस आधार पर बायर कॉन्ट्रैक्ट को रिपीडिएट किया करना चाहता था और कोर्ट ने उसके इस आर्गूमेंट को एक्सेप्ट किया और ये माना कि गुड्स का उसके डिस्क्रिप्शन के अनुसार ना होना इम्प्लाइड कंडीशन की ब्रीच थी और बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को रिपीडिएट कर
से कुछ इम्प्लाइड वारंटीज भी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंतर्गत, जिस पर हम अपने अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।